जय माता दी। दर्शकों, यदि आपके घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास नहीं करती हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, तो आज मैं आपके लिए घर में धन धान से भरपूर एक उपाय लेकर आई हूँ। यह उपाय आपको 9 अप्रैल को नवरात्रि की अष्टमी के दिन करना है। अष्टमी यानी अष्टलक्ष्मी का दिन। इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर स्थायी रूप से सदा के लिए वास करेंगी। आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यह उपाय अवश्य ही करें। आपको क्या करना है, एक साफ स्वच्छ लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में आपको थोड़ा सा कोयले का टुकड़ा, लोहान डालनी है, लोहान जो हम धूप दीप में करते हैं वह डालनी है आपको। उसके साथ में आपको जो रोज़ पूजा में आप अगरबत्ती का यूज़ करते हैं, धूप बत्ती का यूज़ करते हैं, उसकी आपको राख डालनी है, यानी भभूत डालनी है। साथ ही में आपको थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा एक हल्दी की गांठ, आपको यह सब चीज़ों की पोटली बना लेना है। और इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना है। मुख्य द्वार पर बीच में आप इस पोटली को बांध दें, आपके घर में माँ लक्ष्मी खींची चली आएंगी और सदा के लिए स्थायी रूप से वास करेंगे। फिर कभी भी आपके घर में आपको धन की कमी नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा कि आपको यह उपाय नवरात्रि जब ख़त्म होगी, अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। अष्टलक्ष्मी के दिन, इस दिन हमारी कुल देवी का भी पूजन किया जाता है। मैं आपको अगले वीडियो में हमारी कुल देवी की पूजा हम कैसे कर सकते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।